अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आमना खालिद और आप जैसे देख रहे हैं मैं आज मौजूद हूं गुलशन रावी अलियास जुम्बा कढ़ाई पे। और अलियास जुम्बा कढ़ाई के बारे में बहुत मशहूर है कि इनका एक तो खाने में बहुत ज़रा टेस्ट भी बहुत अच्छा है और दूसरी मेन बात जो इसकी मशहूर है कि इनके खाने में किसी किस्म की जो है मिलावट नहीं होती, रियल शनवारी जो है वो टच आपको देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा बकरा ईद करीब है तो क्यों ना आज अलियास साहब के पास उनकी शॉप पे जाया जाए। और आइए अलियास साहब से मिलते हैं जो अलियास जुम्बा कढ़ाई के ओनर हैं। तो व्यूअर्स आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अलियास साहब, वो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स इनका कि ये इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि एक ये तो इंसान बहुत अच्छे हैं और पैसा तो सबके पास होता है लेकिन ये इनके बारे में मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि इनका दिल बहुत बड़ा है, बहुत 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 आला तरफ इंसान है। पूरी शोबिज़ इंडस्ट्री यहाँ इनके पास आती है, टिकटॉकर्स भी, इन्फ्लुएंसर्स भी, हर शोबिज़ के जो है शोबिज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे इनके आते हैं। इनका अखलाक बहुत अच्छा है और दूसरी बात ये कि और ये अपने जितने भी आने वाले यहाँ कस्टमर्स हैं कस्टमर्स का तो ये वेलकम करते हैं और हमें शोबिज़ से रिलेटेड जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। मुझे इनकी ये चीज़ बहुत पसंद है। अच्छा लिहाज से मुझे ये बताइएगा, अब बकरा ईद करीब है तो बकरा ईद में क्या आपका जो है वो स्टेटस चलता है, कितना रश होता है, उसी रूटीन से कस्टमर आते हैं क्या है? जी बकरा ईद पे जी हम पकवाई का काम करते हैं, लोग अपने घरों से गोश्त लेके आते हैं और इधर तरह तरह के खाने पकवा के हमारे पास खाते हैं बैठ के। वाह जी, व्यूअर्स इनका कहना है कि बकरा ईद पे तो है लोग गोश्त कच्चा उठा के ले आते हैं और इनके यहाँ जो कुक हैं शेफ्स हैं उनसे मज़े मज़े के जो हैं वो खाने बनवाते हैं। रान हो गई, मटन कढ़ाई होगी, दुम्बा कढ़ाई हो गई, मटन बारबेक्यू हो गया, कांदा हो गया, दम पुख्त हो गया, रोश हो गया, यखनी रोश हो गया, मसाला रोश हो गया, सब्जी हो गई। वाह जी वाह सच्ची। अच्छा तो ज़रा यहाँ पे जो है मोस्ट रनिंग आपकी आइटम कौन सी है आम दिनों में भी और स्पेशल बकरा ईद के दिनों में लोग आपसे ज़्यादा क्या बनवाने आते हैं? वो बकरा ईद पे ज़्यादातर वो शनवारी कढ़ाई बनवाने के लिए आते हैं, सुलेमानी कढ़ाई और शनवारी कढ़ाई और चाम के टिक्के। वाह जी, व्यूअर्स इनका कहना है कि शनवारी कढ़ाई, सुलेमानी कढ़ाई और टिक्के जो हैं इनके बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है ईद के दिनों में भी और आम डेज में भी, ईद के आगे पीछे भी। अच्छा अलियास साहब, आप हमें ये बताएं कि आज आप हमें क्या टेस्ट करवा रहे हैं? हमें हम आपको दुम्बा खिलाएंगे। वाह जी जी, व्यूअर्स इनका कहना है अलियास साहब का कि आज हमें जो है वो दुम्बा खिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच अलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले ये कि अपने आने वाले मौजूद ऑनरेबल गेस्ट को जो है ऑन करते हैं और बहुत शुक्रिया अलियास साहब, आज आपने स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट पर टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। ओके व्यूअर्स, मौजूद हूँ लियास जुम्बा कढ़ाई पे। अभी इनके ओनर से तो बात चल रही थी लियास साहब से और अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आए जितने कस्टमर्स हैं जो खाना खा के फ्री हुए, मैंने सोचा आइए इनसे फीडबैक लेते हैं कि लियास जुम्बा कढ़ाई के बारे में इनके क्या व्यूज़ हैं, इन्होंने खाना खाया कैसा लगा, रूटीन में आते हैं और इनका टेस्ट कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? सरमद मुजम्मिल हंजरा। सरमद मुजम्मिल जी, मुझे बताएं आपने यहाँ पे क्या खाया और टेस्ट कैसा लगा? देखिए यहाँ पे हमने दुम्बा कढ़ाई खाई है और इसकी तारीफ शुरू से ही बहुत ज़्यादा सुनी थी, सब दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप एक बार ज़रूर जो है अलियास दुम्बा कढ़ाई पे जाएं और उनकी दुम्बा कढ़ाई ट्राई करें। तो हम आज दोस्त वगैरह सारे आए और बिल्कुल जैसा सुना था मनोवन वैसा ही टेस्ट है, बहुत मज़ा आया और मैं तो 10/10 जो है उनको रेटिंग देना चाहूँगा। जी तो व्यूअर्स, जैसे आपने सुन लिया उन्होंने कहा कि मैं 10/10 इनको रेटिंग देना चाहूँगा, तो अब मैं इनके बाकी फ्रेंड से भी पूछती हूँ कि उन्होंने खाया उनको कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? राणा गोहर। राणा गोहर जी, राणा गोहर आपने क्या खाया, डिश बताएं और बताएं उसका टेस्ट कैसा था? हम सब जैसा कि इसने बताया, हम सब इकट्ठे ही आए थे, हमने दुम्बा कढ़ाई खाई है
और माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा था, जैसा सुना था वैसा ही बिल्कुल उम्मीदों में पूरा उतरे हैं जी। तो इनका कहना है कि जैसा सुना था वैसा ही टेस्ट पाया। नो डाउट इलियास उमा कढ़ाई के बारे में जो चीज़ मशहूर है कि इनका खाना जो है रियल शमारी होता है, बगैर मिलावट के होता है और टेस्टी बहुत होता है और यहाँ पे आने वाले कस्टमर जो है वो पसंद करते हैं। जी व्यूवर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरामैन आपको करीब से दिखा रहा है कि फ्रेश जो है बकरा, चाहे वो दुम्बा है या जो भी है, वो उतार के फ्रेश जो है वो यहाँ पे जो कसाई है ऑन ड्यूटी है वो मेरा कैमरामैन आपको करीब से दिखा रहा है कि कितना सफाई से वो गोश्त तैयार कर रहा है और फ्रेश है बगैर मिलावट के। या दूसरी बात इस चीज़ के बारे में मैं श्योरिटी देने को तैयार हूँ कि इनका जो है फ्रेश जानवर होता है, मीन्स के ये ख़राब जानवर और बिल्कुल नेक नीयती से ये जो है वो अपनी इस चीज़ को सेल करते हैं और इस चीज़ का अजर भी पा रहे हैं और रिजल्ट भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।